चुनौती देता हूँ कि उनको टिकट देके देखें। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनके लीडरशिप में तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास। नमस्कार, DNA न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवांगी। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग से छिड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो इसी कड़ी में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके अंदर क्या तासीर है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से लगातार नालंदा में अपना किस्मत आजमा चुकी है। बीजेपी 3 साल से लगातार अपने किस्मत आजमाते समझ चुकी है कि बीजेपी नालंदा में फ्यूज बल्ब के समान हो चुकी है। अब ये फ्यूज बल्ब नालंदा में जलने वाला नहीं है। बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को चुनौती देने वाले सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी शायद यह भूल गई है कि नालंदा से कौशलेंद्र कुमार 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो RCP सिंह को नालंदा से टिकट देकर देख ले। RCP सिंह से 3 लाख से अधिक मतों से कौशलेंद्र कुमार की जीत होगी, अन्यथा राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही। RCP सिंह कहीं से भी चुनाव लड़ ले, उनका जमानत तक अब नहीं बचने वाला। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। 3 बार सांसद है, उनको हिम्मत है। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ कि उनको टिकट देके देखे। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनके लीडरशिप में तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास। और जितने भाजपा के राज शासित राज हैं जहां उनके सरकारें हैं वहां तो बिल्कुल सफाया होना तय है, बाकी सब तो हमारे ही पास है, कांग्रेस के पास है, ममता जी के पास है। तो इस तरह के जो राज्य हैं वहाँ तो बड़े पैमाने पर हम लोग को समर्थन मिल रहा है और भाजपा 2024 में समाप्त हो जाएगी और भाजपा से भारत ना करते हुए थकते नहीं थे। इसी बिहार शरीफ के मैदान में क्या क्या निकलते कहते हमारे नेता का जो सोच है, हमारा वो MP हैं, अगर वो लड़ना चाहे तो आके लड़ के देख लें, अगर जमानत जब्त नहीं हो गया तो समझ लीजिए क्या होगा। RCP को एक तो टिकट नहीं कहीं से देगा, उनको जिस तरह से वो गए हैं उनकी औकात को उनकी हैसियत को भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया। 100 गाड़ी लेके चलते थे तो 50 लोग कहीं जमा करना कर देते, माला यहीं से उनके नेता ले जाते थे, वही माला उनको पहनाया जाता था, यहीं से पैसा जाता था, वहाँ पर भोजन का इंतजाम और नाश्ता का इंतजाम होता था। आप लोग से कोई बात छिपा हुआ है? आप लोग को सब बात पता है, हमसे बेकार में पूछते हैं? आप ही लोग चलाइए कि कैसे कैसे खेला होता था। आप नालंदा में घूमे तो उनको लोगों ने नकार दिया, अब आने वाले दिनों में और उनको नकारेगी क्योंकि भाजपा का दामन थामे है। अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2024 में अंगुलियों पर गिने हुए उनके लोकसभा में। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।